कहते हैं जब इरादे कमजोर होने लगते हैं तो आस्था मजबूत होती जाती है, कई बार कदम डगमगाने लगते हैं तो भगवान और याद आने लगते हैं। और असल में होता ये भी है ना कि जब हम थक हार जाते हैं तो हमारे पास आखिरी जो चारा होता है वो हमेशा भगवान ही होते हैं। भगवान आपको संबल देते हैं, भगवान आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ये बातें मैं यहाँ खड़े होकर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टनल जो आप देख रहे हैं, ये इस टनल पर 12 दिनों से पूरे देश की नजरें हैं। 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज 12वां दिन है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि बस कुदरत का साथ और मिल जाए तो शायद कल के निकलते वो आज बाहर निकल जाएं। अब ये टनल के बगल में जरा एक छोटा सा मंदिर देखिए, ये छोटा सा मंदिर आजकल जो भी इस टनल के अंदर जाता है वो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्सन, सब पहले इस मंदिर में शीश नवाते हैं, सर को झुकाते हैं और उसके बाद ही आगे जाते हैं। जब आप इस इलाके में आ जाएंगे ना तो लोग आपको भोकनाग बाबा के बारे में बताने लगते हैं, जो यहाँ के इष्ट हैं, जो यहाँ पूजे जाते हैं। और यही एक लोगों में ये भी एक प्रचलित धारणा थी कि नया काम कोई शुरू किया जाए या कुछ ऐसा नया बनाया जाए और बाबा की अनुमति ना ली जाए या उनकी उनकी प्राण प्रतिष्ठा या उनका मंदिर ना हो तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे में जब से टनल से फंसे हैं लोग, उसके बाद लोगों के ही कहने पर एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया गया, फिलहाल टेम्परेरी मंदिर जिसे कहा जा रहा है। जब टनल पूरी हो जाएगी तो एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, ऐसी भी बातें आ रही हैं। अब लेकिन कहानी क्या है भोकनाग बाबा की, क्या है इनके पीछे का, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीमा विद्वान है। अच्छा अच्छा, इसने सबसे पहली भोकनाग देवता की जय हो, पंचनाम देवताओं की जय हो। सबसे पहले इन्होंने एक गलती किया कि भोकनाग को सिरपल नहीं फाड़ा, शीश नहीं झुकाया। सबसे पहले ये गलती है इनकी, इन्होंने सुरंग सुरंग कर दिया पर इन्होंने देवताओं के नाम नहीं लिया। ये देवता क्या चीज होती है, इन्होंने बोला देवता क्या चीज होती है, पर वो भोकनाग ऐसी है सबको मार भी देते और खड़ा कर भी देते। पर इन भोकनाग देवता ने हमारे नहीं सबका देवता है, इन्होंने आज अपना पर्चा दिखा दिया। वो धामी आओ, यू डेम आओ, इस डेम आओ, यो किसे को नहीं समझती है, ठीक है सब। जब इन्होंने सर ही नहीं झुकाया तो कैसे उन्होंने भी फिर अपना परिचय दिखा दिया, ठीक है। आप धामी भी आ रहे, फुर आ रहे, फुर जा रहे, जो भी आ रहे फुर आ रहे, फुर जा रहे। कहानी क्या है बाबा की, क्या कहानी है? कहानी इसकी बहुत लंबी चौड़ी है। इसका मेला होती है, इन्होंने शादी हो रही थी, इन्होंने सारी बारात घेर दिया। शादी वाले ने आपने बाटा बदल दिया, हाँ, रास्ता बदल दिया। हाँ। देवता को बोले कि जब मैं वहाँ से वापिस आऊंगे तब मैं आपको सिरपल देंगे, बकरा देंगे। हाँ। इसलिए वो दूसरे रास्ते चले गए, दूसरे रास्ते से आया। हाँ। तो उन्होंने सांप बन के सारी बारात 12 बीसी सेना घेर दिया। हाँ। सारी बार बस सेना इन्होंने आपने पर्चा दिखा दिया, बस। अच्छा। और आ गया, आप बोलो भाई, ठीक है। वो देखिए भाषा उनकी, क्योंकि हाँ उनकी, हाँ। ये यहाँ की लोकल है, गढ़वाली इनकी भाषा है, हिंदी में जो समझा पा रही हैं वो समझा रही हैं। जितना मुझे समझ आया उसके हिसाब से ये बता रही हैं कि कोई बारात जा रही थी तो बारात ने मांगा कि जब हम वापस आएंगे तो हम आपको श्रीफल चढ़ाएंगे, हम आपको और बकरा, क्योंकि यहाँ पर तब बलि की प्रथा भी रहती थी तो वो भी चढ़ाएंगे। लेकिन आते वक्त क्या हुआ कि उन्होंने रास्ता बदल दिया और अपना जो प्रण था, जो कहा था भगवान को, वो पूरा नहीं किया। तो भगवान क्योंकि नाग रूप में है तो उन्होंने नाग बनकर बारात पर 12 बीसी सैन्य घेर दिया। घोड़ा खच्चर था, 12 बीसी सैन्य थे, ढोल बाजना सब कुछ, उन्होंने सांप बन के सारी बारात घेर दिया, सारी बारात ही खत्म कर दिया। तो ये भयंकर देवता है बेचारा, हम मानते हैं इनको, हमारा इष्ट देवता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अब जब ये
सबसे पहले तो मैं बॉक नाग को नमन करता हूँ। और मतलब तो ये है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे ये इनका मेला लगता है, बॉक नाग जी का मेला लगता है, वो 11 गते मंगसीर लगता है। अच्छा। तो एक साल यहाँ लगता है और एक साल सेम नागराज और मतलब ये बॉक नागराज, तो मतलब इनका एक ही है, मतलब जो इनका एक ही है। तो यहाँ बहुत बड़ा भव्य मेला होता है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा मेला होता है। अच्छा। जिसे मतलब वो एक साल यहाँ होता है, एक साल वहाँ होता है, सेम सेम होता, सेम नाग होता, एक साल यहाँ बॉक नाग होता है। जी जी। आपको लग रहा है अभी मंदिर बन गया है और अब जो है आने जाने वाले जितने चाहे काम करने वाले हों, सुरक्षित रहेगा। फिर क्या हुआ, परसों क्या हुआ? सुरक्षित आ जाएगा बाहर। बाहर ये भी मेरा वादा है बौखनाग का, वो जरूर सुरक्षित है। तुम्हें इन्होंने मंदिर का ये कर दिया, ये सुरक्षित आ जाएगा बाहर। जल्दी देखो, कह रही कि मंदिर बन गया है तो सुरक्षित आ जाएंगे। कैमरा पर्सन को कहूंगी जरा जो लोग बात कर रहे हैं जरा इनकी बातें भी सुनवाएं और दिखाएं कि भाव क्या है जब वो अपने देवता के बारे में बात करें। हाँ, आप कुछ बता रहे हैं। जी, मैं भी बोला कि परसों जब क्या हुआ कि अब मैं वो अंदर का काम नहीं हो पा रहा था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि जो यहाँ पे जो पीएम है यहाँ के, उनको उनको अपने पीएम यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको उनको बुलाया कि सुबह नहा धो के आना। तब वो सुबह नहा धो के आए, नहा धो के तब फिर उन्होंने एक सिरपल लाया और फिर ये भी वादा कर रखा उनसे, मतलब उनसे ये वादा कर रखा कि अगर ये बच जाएंगे तो मंदिर भव्य बनेगा यहाँ पे। अच्छा, आपकी आस्था है कि आप क्योंकि मंदिर बन गया है तो कृपा रहेगी। मंदिर तो छोटा मंदिर, भव्य बड़ा मंदिर, उन पीएम साहब ने कहा कि मंदिर बड़ा बनेगा। तो आपको लग रहा है कि अभी देवता जो है इसीलिए मतलब आप कि मतलब जब हमने परसों उस पे देखा तो हम भी हमें पहले आज सब ये नहीं था, विश्वास नहीं था। और जब हमने परसों उनको देखा, वीडियो देखा, तो बहुत मतलब खुशी हुई। और मतलब वो देवता की कृपा है, बहुना की कृपा। अच्छा, मुझे ना कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं आपके साथ ही। आप मानते हैं इस बात को कि आप मंदिर जो है वो बन गया है तो अब चीजें शुभ शुभ हो रही है? जी मैम, मानता हूँ लगातार, क्योंकि जैसे हमने देखा था 12 दिन हो गए हैं अब इसको। शुरुआत में तो चांसेस भी नहीं लग रहे थे, जो मशीन जा रही थी खराब हो जा रही थी। अब जब से मंदिर स्टेब्लिश हुआ है, जैसे मुझे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि तब से सब कुछ शुभ ही हो रहा है। देरी हो रही है पर शुभ हो रहा है। जी मैम, सही बात है, क्योंकि पहले से जब इन्होंने देवता का वो नहीं किया, आह्वान नहीं किया, याद नहीं किया, सिरपल नहीं फोड़ा, जो भी है यहाँ की वो नहीं किया, तो कुछ भी शुभ नहीं हुआ। काम ये है कि अटक के रहते हैं। और जब से इन्होंने ये किया, यहाँ पे सिरपल फोड़ा और छोटा सा मंदिर बनाया है, तब से ये है कि काम चल ही रहा है। तो आपको उम्मीद है कि आप जी, अब तो मैं अब तो ऐसा है कि हो जाएगा, निकल जाएंगे, सुरक्षित निकल जाएंगे बाहर। आपको क्या लगता है, मंदिर जो बन गया क्या होगा? सुरक्षित आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पे बाबा बासुकी नाग का जो है ये पूरा क्षेत्र लगता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे बाबा बासुकी नाग के दो स्थान है, एक यहाँ पे बॉक टिब्बा में है और दूसरा इसी सुरंग के ऊपर जस्ट ऊपर राड़ी टॉप है, वहाँ पे बाबा बासुकी नाग का मंदिर है। तो अगर देखिए, अगर हम आपके घर में जबरदस्ती आएंगे, कुछ काम करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो आप जाहिर से बात है आप नाराज होंगे कि मेरे घर में ऐसी टूट फूट क्यों हो रही है, ठीक है? तो ये बाबा बासुकी नाग का घर है, यहाँ पे इनका मुकुट माना जाता है ये, ठीक है? तो उनके घर में अगर कोई छेड़खानी हो रही है तो बाबा बासुकी नाग कुछ ना कुछ तो करेंगे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो उसके बदले मुझे कुछ दो। दो का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा मंदिर स्थापित करो। जो श्रद्धालु भक्तगण पहले इस रोड से होके जाते थे, अब वहाँ पे जो उनको पुजारी नहीं मिलेगा, जो उनका पूजा पाठ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि बाबा बासुकी नाग देवता जो है रुष्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो बाबा बासुकी नाग ने कहा था कि यहाँ पे मेरा एक मंदिर लगा दो, भव्य मंदिर का निर्माण कर दो। तो कंपनी वालों ने जो है ऐसा नहीं किया। अब बड़े जितना होता है ना कि जितना हम पढ़ लिख ले जाते हैं फिर अपनी अब संस्कृति परंपराओं को भूलते जाते हैं, ठीक है? तो कहा था देवता ने कि यहाँ पे किसी भी अवतरित हुए थे तो कहा था कि मेरे एक मंदिर लगा दो, तो कंपनी वालों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से जो है बाबा वासुकी नाग जो है रुष्ट हो गए थे और फिर जो है ऐसी घटनाएं हो रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, अब मंदिर बन गया है, अब तो हम देख रहे हैं कि जो वर्कर भी काम करने जाते हैं सब सर झुका कर जाते हैं, पूजा भी होती है बकायदा। अब क्या लग रहा है? बिल्कुल, अब तो आस्था सबसे बड़ी आस्था होती है, हमें बाबा वासुकी नाग पे पूरा भरोसा है कि जितने भी अंदर कर्मचारी, जितने भी वर्कर फंसे हुए हैं, उस सकुशल बाहर निकले, ऐसी हम बाबा वासुकी नाग से मतलब कृपा बनाते हैं आस्था। तो कुछ नहीं होगा, सब सकुशल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वासुकी नाग की कहानी देखिए आपको बता रहे हैं। देवता की कहानी ये है कि उन्होंने चेतावनी दिया कि तू है बड़ा कि मैं है बड़ा, इन्होंने नहीं समझा। ठीक है, तो अभी देखिए तमाम लोग और जितनी बार बात करते हैं आप देखिए हाथ जोड़ लेते हैं, यही आस्था है। और खास तौर पर जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों में प्रकृति हो, पहाड़ों में देव हो, इसीलिए तो शायद उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है ना। कहा जाता है पत्थर पत्थर में भगवान है यहाँ। और जब आप किसी पहाड़ पर आते हैं, जैसे कि बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझाया कि कोई अगर आपके घर आता है, आपसे बिना अनुमति लिए वो अगर कुछ करने जाता है तो आपका गुस्सा होना लाजमी है, आपकी नाराजगी लाजमी है। तो वही यहाँ के लोगों का कहना है कि जब ये काम वाम शुरू हुआ
तो जो बाबा हैं भोकनाथ बाबा, उनसे आशीर्वाद नहीं लिया गया, कहा जाए तो अनुमति नहीं ली गई, काम शुरू कर दिया गया, और उसके भी रोष का ये फल हो सकता है कि जिस तरीके से ये तमाम लोग फंसे। लेकिन क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो दयालु होते हैं, तो एक मंदिर वहां पर अभी एक टेम्परेरी तौर पर बना है, क्योंकि अभी टनल का काम भी पूरा नहीं हुआ है, उससे भी इनकी आस्था है कि भगवान जो है वो अपनी दया दिखाएंगे, और जो तमाम कर्मचारी, जो तमाम मजदूर यहाँ पर फंसे हैं, वो इन्हीं की आशीर्वाद से जल्द बाहर आ जाएंगे। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाएं, आप उत्तराखंड के किसी भी पहाड़ में जाएं, आपको आस्था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जरूर देखने को मिलेगी, और उनसे जुड़ी हुई कहानियां भी मिलेंगी। ऐसी कई कहानियां हो सकती है जिन पर आपको विश्वास ना हो, और ऐसी कई कहानियां हो सकती हैं जो प्रत्यक्ष के सामने साथ आपको देखने को मिलती है। पर कहा जाता है ना कि आस्था के आगे लॉजिक नहीं चलता, तो ये लोगों की आस्था है और लोगों का मानना है कि इस इलाके के, इस पूरे जगह के इष्ट हैं, और इष्ट की नाराजगी का ये नतीजा है। अब इष्ट को कह दिया गया है कि जैसे ये टनल पूरा होगा एक अच्छा मंदिर बनेगा, फिलहाल एक टेम्परेरी एक छोटा मंदिर बना है, तो जल्द ही उनकी कृपा भी तमाम लोगों पर बरसेगी।